फिल्मोदय राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। राजस्थानी फिल्मों की अंतरंग यात्रा फिल्मोदय के सेट पर मैं सुरेश मुदगल आपका फिर से स्वागत करता हूँ। एक एक करके हम 10 फिल्मों की यात्रा कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि नजरानों 1942 में रिलीज हुई, उसके बाद में 1961 से राजस्थानी फिल्में बननी शुरू हुई, तो उनका अपना एक इतिहास था, उनकी सफलता का अपना एक पैमाना था और उनकी असफलताओं के अपने अलग अलग कारण थे। शुरुआत की फिल्मों की बात करें तो बाबा सारी लाडली, नानी भाई को मारो, बाबा रामदेव, रामदेव पीर, धनी लुगाई, कुल मात्र 11 फिल्मों के साथ में पहला दौर समाप्त होता है। हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो मुझे मुश्किल से 100 आदमी जानते होंगे। मेरे सहपाठी मंगत जैन का गंगानगर से फ़ोन आया, अरे भाई जद आप हटे पढ़िया करता जब तो तू राजस्थानी फिल्म करते देखवा गयो को नहीं, अब तने राजस्थानी फिल्म की अति नॉलेज किया होगी। तो मैंने उसको सहज स्वाभाविक सा उत्तर दिया कि भाई ये अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। मैं जब पढ़ता था तो लिखता था, राजस्थान पत्रिका में भी छपता था, मायापुरी में भी छपता था, इतना तो तेरे को पता ही है ना, उसने कहा हाँ। और जब मैंने होश संभाला ग्रेजुएशन के बाद में, मैंने ये पक्का कर लिया था कि अब मुझे बम्बई जाना है और फिल्मों में अपना एक मुकाम बनाना है। उस समय मैंने ये सब चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू की और 1977 में बॉम्बे पहुंच गया। इत्तफाकन मुझे वहां जाने के बाद ये पता लगा कि राजस्थान की एक नहीं अनेकों प्रतिभाएं इस बम्बई नगरी में काम करती हैं, वो राजस्थानी फिल्में ही बनाती हैं, हिंदी फिल्में भी बनाती हैं, और सबसे बड़ी बात इन पूरी चीज़ों की नॉलेज देने वाली दो ही मैगजीन थी वहाँ पे। बड़ा आश्चर्य हुआ कि निकलने वाली दोनों मैगजीन फिल्म ट्रेड गाइड और फिल्म इन्फॉर्मेशन, दोनों के पब्लिशर राजस्थानी फिल्मों के प्रोड्यूसर रहे हैं और उनका नाता जोधपुर से था। उनकी फिल्मों को देखने के लिए मैंने VCD इकट्ठी की, उसका पूरा लिटरेचर देखा और उसके बाद में मुझे पता लगा कि 11वीं फिल्म जो बनी वो रानी सती पे बनी। ये दौर वो था जब रानी सती झुंझुनू वाली की बहुत मान्यता थी और घर घर में उन्हें पूजा जाता था। ये राजस्थान की 11वीं फिल्म थी जो 1969 के अंदर बनी थी। प्रारंभिक 5 फिल्मों की सफलता और 5 फिल्मों की असफलता के बाद ये फिल्म भी असफल प्रमाणित हुई और इससे नाता रखने वाले यादवेंद्र शर्मा चंद्र, जो कि बहुत अच्छे राजस्थानी के लेखक थे, बीकानेर से नाता रखते थे, लेकिन वो इस पृष्ठभूमि में बनी हुई फिल्म को पटकथा के रूप में ना तो ढाल पाए और ना ही फिल्म को सफलता दिला पाए। इस फिल्म का संगीत चांद परदेसी ने दिया था, इससे पहले भी उन्होंने एक फिल्म में म्यूजिक दिया था। राजस्थान की 7 फिल्मों में पंडित शिवराम का म्यूजिक था, 2 में चांद परदेसी का म्यूजिक था और 1 फिल्म के अंदर नारायण दत्त का म्यूजिक था। सफलता की बात करें तो सफलता का चेहरा पंडित शिवराम के चेहरे पर ही बंधा नजर आता है। 11 फिल्मों के बाद हम जब बात करते हैं कि इंडस्ट्री में राजस्थानी फिल्में बंद हो गई, उस दौर में बंद होने से पहले कुछ ऐसी फिल्में जरूर शुरू हुई थी, वो अगर पूर्ण हो जाती तो राजस्थानी फिल्मों का इतिहास एक अलग ही होता। उसी दौर में वीर दुर्गादास, जो कि राजस्थान से नाता रखती है लेकिन उसे हिंदी में सेंसर कराया गया, जिसमें बहुत अच्छा म्यूजिक था, लता मंगेशकर और मुकेश का एकमात्र गाना जिसे हम राजस्थानी गाना बोल सकते हैं, वो भी वीर दुर्गादास का सबसे बड़ा आकर्षण था। इसी तरह से जय चित्तौड़, जिसका राजस्थानी भूमि से नाता है, उस फिल्म ने भी अपना एक इतिहास बनाया लेकिन वो भी हिंदी में सेंसर हुई। जय चित्तौड़, वीर दुर्गादास राठौड़, अमर सिंह राठौड़, ये सब्जेक्ट राजस्थानी थे, इनको बनाने वाले भी राजस्थान से नाता रखते थे, इनकी शूटिंग राजस्थान में करते थे, लेकिन एक बड़ा एक्सपोजर लेने के लिए, बड़ी सफलता के लिए इनको हिंदी में सेंसर कराते थे। इसी दौर में गजानन वर्मा, जिनका नाता राजस्थान से था, वो कलकत्ता में काम कर रहे थे। हमारे कन्हैयालाल जी सेठिया,
वो भी कलकत्ता में काम कर रहे थे और उनके गाने धरती दोहरारी हिट हो चुका था, सैलानी के गाने हिट हो चुके थे। इसी तरह से गजानन वर्मा के गाना जो कि 1961 चाइना वार के टाइम में उन्होंने लिखा था, जिसे नेहरू ने बहुत अप्रिशिएट किया था, वो हिट हो चुका था। लेकिन इन सब पे जो फिल्में प्रारंभ हुई, उन फिल्मों को एंड तक पहुंचाने की हिम्मत ना निर्माता में हुई और ना ही उन राजस्थानियों में हुई जिन्होंने ये सपना देखा था कि हमारे राजस्थान का संगीत संपूर्ण विश्व में जाएगा। वो संगीत आज लोकप्रिय है, धरती दोहरारी गीत हर जगह बजाया जाता है, सेनानी हर जगह बजाया जाता है, और सुन दिखना दी बादली उतरा दे खेड़े जा, पीव जठे रण में जूझे तू बाने हंस बतलाए। इतने खूबसूरत शब्द जो हमारे गीत का रस्ते थे, उनको बड़े पर्दे पर हम नहीं देख पाए। इसी दौर में प्रारंभ हुई कुछ फिल्मों में मीराबाई, महाराणा प्रताप, बलजी भुर्जी और अनेकों नाम हैं। देश दिशावर और मूमल की कैसेट्स घर घर बजी, वो गाने इतने लोकप्रिय हुए कि आज भी लोग बाग उसे सुनते हैं। हमारे गीत संगीत और पारंपरिक संगीत को बहुत यूज किया गया, उनकी कैसेट्स घर घर बजती हैं और आज हम ये कह सकते हैं कि ये उस दौर की फिल्मों का ही परिणाम है कि हमारा संगीत आज हिंदी फिल्मों में लिया जाता है। कितनी ही हिंदी फिल्मों में राजस्थानी गीत आपको सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ तक राजस्थानी फिल्मों की बात है, फिल्मों का पहला दौर सिर्फ 11 फिल्मों की कहानी कहता है और इसके बाद निर्माण का पहला दौर ख़त्म होता है और दूसरा दौर 1980 में महेंद्र पुजारी की फिल्म सुपातर बिन्नी से स्टार्ट होगा। ये कहानी हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।